हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनुष्य में। मैं हूं गौरव सिंह और दोस्तों हम लेकर आए हैं आज आपके सामने पार्ट नंबर 7। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है और इसमें हम करा रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ। तो आज हम लेते हैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन है 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में रखे हुए हैं, उनके बीच विद्युत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कह सकते हैं कि दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी दे रखी है, आवेशों का परिमाण दे रखा है हमें। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल लगेगा उसका परिमाण क्या होगा, उसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें है दोनों दे दिए। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 0.2 × 10⁻⁶ कूलाम कर सकते हैं इसको, और इसको 0.3 × 10⁻⁶। ठीक है, माइक्रो को चेंज कर दिया हमने और 30 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 30 × 10⁻²⁪ मीटर इतना कर सकते हैं दोस्तों। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, विद्युत बल निकालना F, तो क्या होता है K Q1 Q2 / r², तो K की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है और Q1 है आपका 0.2 × 10⁻⁶, Q2 है आपका 0.3 × 10⁻⁶ और दूरी का स्क्वायर, दूरी है 30 सेंटीमीटर, 30 × 10⁻², और इसका है स्क्वायर, तो दो बार कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, ये हो गया आपका, इसको कर लीजिए जैसे कि 30 की 30 में कर दें तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका 3 × 6 = 0.06, तो ये आ गया गुणा 10⁻⁶ कितना रह गया ऊपर, 6 और 6 = 12, 12 में से 9 गए 3। ठीक है, ये वाला 3 × 9 तो कैंसिल हो चुका था आपका। ठीक है, इस तरीके से 900 में से 9 गया तो 100 रह गया, तो मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ और 10⁻⁴ लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो आपका 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 10⁻³, और ये हो जाएगा 10⁴। ठीक है, और 4 ये कैंसिल हो गया, यानी 6 × 10⁻ इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी बन रह जाएगा 6 × 10⁻³ आ जाएगा और न्यूटन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो इतना, और आप बाकी जिस तरह से आप करना चाहें कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, 6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर है आपके सामने। दो बिंदु आवेश हैं प्लस के 9e और दूसरा है प्लस ई, और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि उस पर बल न लगे। यानी कह सकते हैं, अगर हमारे पास फिगर समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से कंडीशन है, एक है आपका इलेक्ट्रॉन ई और एक है आपका 16e, तो दो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि एक आवेश को इन दोनों के बीच में कहीं एक स्थिति पर रखना है, और ऐसी स्थिति पर रखना है कि इस पर कोई भी बल ना लगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे हम, आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ई को रख देते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यू को रखना है और इस पर बल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यानी मान के चलो ये क्या है, एक सेंटीमीटर की दूरी पर है मान लो, तो ये कितना रह जाएगा टोटल, इनके बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी 16 है, एक प्लस ई और एक दूसरा 9e है, तो इसको कर लीजिए सही 9e। ठीक है, एक 9e है और एक ई है, चलिए इसको कर लीजिए इस तरीके से 9e और इसको कर लीजिए ई, सही है। अब 16 सेंटीमीटर, तो ये कितनी रह जाएगी, ये x कम हो गई, 16 में से x कम हो जाएगी, तो 16 − x सेंटीमीटर हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, और ये वाली होगी हमारी x सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, पहले इस पर निकालेंगे प्लस 9e की वजह से बल, और फिर प्लस e की वजह से इसके ऊपर बल निकालेंगे और दोनों को बराबर करके। ठीक
ठीक है, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए जो q आवेश है वो प्लस 9e आवेश से, ठीक है, x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे, देखो पहले हम निकालेंगे प्लस के 9e व q के बीच लगने वाला, पहले दिया है लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। हमको दे रखा है q1 का मान प्लस के 9e है और q2 का मान प्लस के e है, और हमें इनके बीच की दूरी r दे रखी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे क्या है हल। पहले हम निकालेंगे प्लस के 9e व q के बीच लगने वाला बल, लगने वाला विद्युत बल, ठीक है। तो इसको हम F1 मान लेते हैं, जो कि कितना होगा K Q1 Q2, Q1 है आपका ये और Q2 है ये, और बचा आपका x, यानी कि x का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी x है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फर्स्ट। इसी प्रकार हम निकालेंगे प्लस के E व Q के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है दोस्तों। तो इसको मान लेते हैं हम F2, जो कि होगा K, Q1 है आपका प्लस के E और Q2 है आपका Q, और दूरी है इनके बीच में 16 माइनस x, ठीक है, ये आ गया दो। अब आपको करना क्या, दोनों को F1 और F2 को बराबर रख करके केवल x का मान ज्ञात करना है, और जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, इसको यहाँ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, F1 बराबर F2, यानी कोई बल ना लगे, यानी परिणामी बल क्या है शून्य है, इसलिए दोनों क्या कर दे बराबर कर देंगे हम। तो ये है आपका K और 9e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर K e इंटू क्यू अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से K खत्म, Q से Q खत्म, और E से E खत्म। तो यहाँ से 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर रह गए यहाँ से 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको हम कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16 थी 48 माइनस के 3x, ठीक है दोस्तों। और इसको हम कर देते हैं यहाँ से 3 और 1 4x हो जाएगा बराबर 48, और 4 से कट गया 12 बार, और x बराबर 12 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं जो बिंदु है, यानी जो बिंदु है, ठीक है, जिस पर परिणामी बल क्या आ रहा है शून्य आ रहा है, अर्थात कह सकते हैं क्यू को हमने रखा है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है प्लस 9e कूलाम आवेश से। जब 9e से हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच में अगर इसको रख देते हैं हम Q आवेश को, तो इस पर परिणामी बल का मान क्या आएगा शून्य आएगा। तो आपको X का मान निकाल दिया, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दो अचालकीय आवेशित कॉपर धातु के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास धातु के दो गोले हैं ए और बी, उनके बीच में दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और दोनों पर बराबर बराबर आवेश है, और कितना है 6.5 ना 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। अब ये कहने कि उनके बीच में पहले तो आपको निकालना है विद्युत बल कितना होगा, ठीक है, और फिर सेकंड कंडीशन इसमें दे रखी है यदि आवेशों को दुगना कर दिया जाए, यानी 6.5 में 10 की पावर माइनस से 7 कूलम्स का डबल कर दिया जाए दोनों पर आवेश के मान को, और दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी कि इनके बीच दूरी पहले कितनी थी 50, और अब बाद में कर दिया जाएगा इनको 25 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि बल का मान बदल जाएगा, तो नया बल कितना होगा वो भी आपको ज्ञात करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो चलिए करते हैं हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या दे रखा है इसमें, Q1 का मान दे रखा है, Q1 और Q2 मान लीजिए Q है, और इसका मान दे रखा है 6.5 गुना 10 की पावर माइनस के 7 कूलम, और इनके बीच की दूरी R दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं हम 50 गुना 10 की पावर माइनस के
दो मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये दे रखा है आपको, तो पहली कंडीशन में लेते हैं हम, हल करते हैं और फर्स्ट लेते हैं हम पहला पार्ट, क्या है बल निकालना है आपको, और फॉर्मूला हो गया क्यू वन और क्यू टू जो कि दोनों कैसे हैं सेम है बटे आर स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम रख देंगे के का मान 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू वन क्यू टू के मान सेम है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, और फिर से 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, और बटे हो जाएगा दूरी का वर्ग यानी 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 और 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है दोस्तों। इतना हो जाएगा ये, और दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं हम, पूरा कितना आएगा एफ़ का मान। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6.5 और 9 की कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, क्या आएगा 6.5 और 6.5 और फिर 9, इन तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आएगा 380.25, लिख देंगे हम 380.25, और बटे कितना हो जाएगा 10 की पावर कर लेते हैं पहले एक साथ, 7 × 7 = 14 में से 9 गया तो 5 बच गया 10 की पावर माइनस के 5, ठीक है। और इधर कर देंगे 50 × 50 2500 हो गया ये, और 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं कर देता हूँ इधर, तो नया बल जो आएगा F का मान कितना आएगा, इनके बीच में बल कितना आएगा 380.25 में अगर हम भाग कर दें तो उसे इसमें भाग कर दीजिए, 2500 का भाग कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 0.152 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गई ये तो पावर माइनस 1 रह गई 10 की पावर माइनस के 1, या इसको कर सकते हैं हम 1.52 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 न्यूटन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आया हमारा एफ का मान और इसको हम याद रखेंगे। तो ये पहला आंसर आ गया हमारा पार्ट 1 का। अब पार्ट नंबर 2 का और ले लेते हैं, ठीक है पार्ट नंबर 2, तो इसको मैं रफ कर दूं यहां से, तो हम लेते हैं पार्ट नंबर 2, चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 2, देखिए पार्ट नंबर 2 को समझते हैं हम क्या है। पार्ट नंबर 2 में कहा है कि जो गोले थे उनके आवेशों कर दिया डबल, यानी कह सकते हैं अब नया आवेश है Q1 और Q2, मान लीजिए आवेशों का मान क्या करते हैं डबल, और वो हमारे कैपिटल Q1 और Q2 हो गए, स्मॉल Q1 Q2 से हमने मान लिया कैपिटल Q1 और Q2 मान लिए, और जो कि क्या है सेम, और मान लीजिए Q है वो, ठीक है, और Q मान लिया हमने, सही है। और ये कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, क्यू का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर। Q1 और Q2 का मान क्या है समान है, तो Q मान लिया, और जो कि क्या होगा पहले वाले आवेश का क्या होगा दुगना हो गया है, और दूरी जो है मान लीजिए कैपिटल R है अब, और ये क्या है पहले वाली दूरी की आधी है R/2। तो इसके बाद अब हम देखते हैं बल का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो नया बल मान लीजिए F डैश है, जो कि फॉर्मूला होगा K Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों। अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर, तो F डैश बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, दोस्तों यहाँ से Q का मान मैं निकाल देता हूँ, Q का मान कितना हमारा 2Q, और इसका भी 2Q है दोस्तों, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा R/2 का स्क्वायर, लगा सकते हैं इस तरीके से हम, हमने देखिए इस कैपिटल Q की जगह हमने 2Q लिख दिया है, ठीक है, और कैपिटल R जो है वो R/2 है, तो हमने यहाँ पर भी R/2 रख दिया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए F डैश आ जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9, और ये कितना हो गया 2×2=4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा Q और Q, Q के मान रख दीजिए क्या है 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ, और फिर से हम 6.5 गुणा 10 की पावर माइनस के साथ कर लेते हैं इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा R² / 4 हो जाएगा, और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम 4 यहाँ ले सकते हैं। तो इसको कर दीजिए F डैश बराबर हो जाएगा 4×16 गुणा
9 × 10⁻⁹ और 6.5 × 10⁻²⁻ के साथ और 6.5 × 10⁻²⁻ के साथ, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ से आर स्क्वेयर। अब दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, ये पहली वाली कंडीशन में आ गया 9 × 10⁻⁹ 6. ये क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, ये पहली वाली कंडीशन में बल का मान लिखा हुआ है, ये एफ जो लिखा था हमने, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे दोबारा से तो फिर से क्या आ जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। और आर को भी आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर आर की वैल्यू रख दो 50 × 10⁻²⁺ और 50 × 10⁻²⁺ तो ये पहले वाली कंडीशन बन गई। इसी ही वैल्यू से हमने ये एफ निकाला था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, सेम वैल्यू को सॉल्व करके इतना आया था हमारा, और ये वही से वही बन गया फिर से। तो यहाँ देखते हैं हम कितना हो गया, एफ डैश बराबर 16 गुना हो गया, और इस पूरे पार्ट की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है पूरे पार्ट की वैल्यू, और वो कितनी आई थी हमारी, इतनी आई है वो 1.52 × 10⁻²⁺। तो दोस्तों अगर आप इसको हल करेंगे तो देखिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा, 16 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.52 में। तो दोस्तों ये जो आ रहा है हमारा निकल के 24.32 आ रहा है 10⁻²⁺, ठीक है। तो इतने न्यूटन हो जाएगा, और यही आपका सेकंड पार्ट का आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पार्ट नंबर 1 आपके सामने है, उसमें इस वैल्यू को देख लीजिए हमने सॉल्व करके इतनी निकाली है। तो ये जो वैल्यू आई थी इस पार्ट की आई थी पूरे की, तो इसे दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को उठा करके, आपने लिख दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है दोस्तों।